अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। पहले एक नजर दुनिया हेडलाइंस पर। डेरा गाजी खान के दो हलकों में जिमनी इलेक्शन आज हो रहे हैं, जिला भर में आम तातील होगी। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का पहला मरहला आज से शुरू, 161,556 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। जुडिशियल कमीशन का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, जस्टिस रिटायर्ड गुलाम रबानी और जस्टिस रिटायर्ड एम ए शाहिद सदीकी को एडहॉक जज बनाने पर गौर का इम्कान। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में 9 अहलकार शहीद, मीरान शाह में मार्टर गोले गिरने के बायस खातून और दो बच्चे जाँ बहक, इलाके में कर्फ्यू नाफिज। चारसदा के दरियाए सरदरियाब में कश्ती उलटने से डूबने वाले 3 दोस्तों को तलाश नहीं किया जा सका, दुनिया न्यूज की खबर पर आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नवाज लीग के लॉन्ग मार्च पर पीपल्स पार्टी के जयाले सड़कों पर आने के लिए तैयार, इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ का लॉन्ग मार्च रावी से आगे नहीं जाएगा। फ्रांस के सदारती इंतखाबात निकोलस सरकोजी को शिकस्त, सोशलिस्ट पार्टी के फ्रांसो ओलांद कामयाब, कैमरॉन की मुबारकबाद, ओबामा ने व्हाइट हाउस आने की दावत दे दी। चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आगे पढ़ सके। भारतीय अदाकार आमिर खान का टीवी शो रिलीज के अगले ही दिन तनाजे का शिकार, मशहूर म्यूजिक ग्रुप एफोरिया ने धुन चोरी का इल्जाम दाग दिया।